Very warm good evening everyone, my dear students, and yes, we should start the things now. और अपनी जो है learnings को start करेंगे. Let us come think, learn and succeed in science with me, that's Megha Mehta. Okay, so class जो है हम 8th का ले रहे हैं, class 8th का chapter 5, that is coal and petroleum, उसको cover करेंगे आज. Yes, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एक घंटे का पूरा हो सकता है. इफ़ यू वॉन्ट कि आप ब्रेक्स में देखना चाहो इस टॉपिक्स को, तो आप ब्रेक्स में अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो. सो लेट अस डू द थिंग्स. देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फॉर व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, दैट रिसोर्स. अब हमें पता होना चाहिए दैट वट एवर द थिंग्स वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं. अगर मेरा घर है तो मेरे घर के अंदर जो है माई बेडरूम इज़ देयर, माई बेड इज़ देयर, टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, ये सब क्या है, ये मटीरियल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स हैं. अब वो मटीरियल जो मेरे को डेली लाइफ में मेरी हेल्प करती है या मेरी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए क्या कहलाएंगी, रिसोर्स कहलाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है. हम लोगों का अगर लाइफ साइकिल जो है वो ऐसे चलेगा कि आप सुबह मॉर्निंग में वेकअप करा, वेकअप के बाद आपने लंच किया, फिर थोड़ी देर बाद आपका जो है पहले ब्रेकफास्ट आएगा, फिर लंच आएगा, फिर उसके बाद आपका डिनर आ जाएगा, एंड देन यू गो टू स्लीप. ये साइकिल हमारी यूजुअली ऐसे ही चलती है. तो कभी आपने वंडर किया कि हमें सबसे पहले उठने के बाद इमीडिएटली क्या चाहिए, खाना चाहिए ना, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए. तो ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज या जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, उन सब मटेरियल्स को मैं क्या बोलती हूँ, रिसोर्स बोलूँगी. क्लियर? तो यहाँ से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज़ रिसोर्स. एनी थिंग, एनी मटीरियल, एनी सब्सटेंस वी कैन से जो मेरी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज, ठीक है. अब जो रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, देखो अगेन दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इसको क्लेरिफाई करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. देखो स्लाइड ये रही आपके पास, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. जो रिसोर्सेज है हमारे पास, नहीं है वाली नहीं है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही कवर करेंगे. जो भी मेरे पास रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, ठीक है. ये 6th 7th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. एक होता है मेरे पास नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा होता है मेरे पास आर्टिफिशियल रिसोर्स करके बोल लो, या मैनमेड रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स जो एक मैन बना रहा है वो, उनको हम बोलते हैं मैनमेड रिसोर्सेज. और अगर कोई भी चीज़ हमें नेचर से मिल रही है तो वो हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स. सी ओवर देयर, नेचुरल रिसोर्सेज गिवन देयर, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर देयर, ऑक्सीजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, पेपर है, वुड इज देयर, टेबल इज देयर. आजकल तो लोग जो घर बना रहे हैं ना, उनके घरों में भी लकड़ का काम हो रहा है ना. वुडन किचन आर देयर. तो ये जो वुड आपको मिल रही है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. कहाँ से मिला है, नेचर से मिला. तो ये सारी चीज़ें आ गई. नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पे जाते हैं. और जब हम नेचुरल रिसोर्स को भी क्लासीफाई करेंगे, तो अगेन मेरे पास दो तरह के होते हैं. सबसे पहले है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है, इसको समझ लेते हैं होते क्या क्या और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है. देखो, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मेरे पास वो रिसोर्सेज होते हैं जो है मेरे कभी भी ख़त्म नहीं होते, कभी भी जो है फिनिश नहीं होते, ठीक है. इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, कभी फिनिश होंगे ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज देयर, कभी ख़त्म नहीं होगा. पानी है हमारे पास, सॉइल आ गया, सॉइल भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, एयर भी ख़त्म नहीं होने वाला, सनलाइट है, नेवर टू बी गेट एक्सटिंग्विश्ड, आपके लिए कभी भी फिनिश नहीं होने वाली, जो जिंदगी भर आपके पास अवेलेबल रहेगी, भले चाहे वो आपके किसी काम की हो चाहे ना हो. बट इफ़ द मटेरियल इज़ बीइंग विद यू, तो वो इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, ठीक है. देन आते हैं एग्जॉस्टिबल के ऊपर. एग्जॉस्ट होने से मतलब ये समझो, हम बोलते हैं ना, समटाइम्स हम बोलते हैं यार आज तो बहुत एग्जॉस्ट हो गए काम करते करते. एग्जॉस्ट मीन्स वी आर गेटिंग टायर्ड ऑफ, मीन्स हमारे पास जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी रिसोर्सेज थी, वो सारी की सारी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है. सिंपल सा एक लेते हैं, बच्चे स्कूल, आप लोग बच्चे लोग हो, है ना, स्कूल में आते हो, सुबह उठते हो, स्कूल में आते हो, बहुत सारी क्लासेस लेते हो, और घर जाते जाते कभी कभी फील करते हो ना कि मम्मा आई एम फीलिंग वेरी लेजी, बिल्कुल थक गया हूँ मैं, मुझे खाना दे दो, मुझे नींद आ रही है, ऐसी चीज़ें बोलते हो ना. तो इसका मतलब क्या है कि मीन्स जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी थी, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है. और अगर आपको दोबारा से एनर्जी चाहिए है, तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फूड जिससे आपको क्या मिले, एनर्जी मिलेगा. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो है हमारे लिमिट नंबर्स में होते हैं, ठीक है. ये भी देख लेना, ये जो है मेरे पास अनलिमिटेड होता है. कैसे होता है, ये अनलिमिटेड होगा और ये जो है मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटीज में होगा. क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जांपल, हम एग्जॉस्टिबल का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोल. अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर ही कोल के बारे में पढ़ोगे, तो कोल क्या है मेरे पास, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये ख़त्म हो जाता है, तो उसके बारे में डील करेंगे. सो
नाउ वी केम्स टू द एग्जॉस्टिबल रिसोर्स पे आएंगे. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के अंदर फर्दर दो क्वांटिटीज में डिस्क्राइब कर इसको दोबारा से बांट दिया गया. फर्स्ट वन है मेरे पास, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, है ना. देखो फर्स्ट वन है मेरे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है. रिन्यूएबल, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड्स को. देखो मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख रही हूँ रिन्यू और एबल, मैंने दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिख दिया. रिन्यू करने का मतलब क्या होता है, आपने उसी चीज़ को दोबारा से एक बना दिया है, री कर दिया है, रीन्यू कर दिया, दोबारा से उसको न्यू बना दिया, ठीक है. एबल मीन्स काबिल है, मीन्स कोई भी ऐसा मटेरियल जो इस काबिल है कि उसको बिल्कुल दोबारा से नई चीज़ के अंदर फॉर्म किया जा सके, रिन्यू किया जा सके उसको, तो वो रिन्यूएबल हो जाएगा. अपोजिट आ जाओ नॉन रिन्यूएबल है, भाई ये ऐसा मटेरियल है जो रिन्यू नहीं हो सकता. सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, है ना. तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको अपने घर के आसपास देखना है कि आपके घर में कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ है जो रिन्यू हो सकती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिन्यू नहीं हो सकती है, तो हम बहुत सोचेंगे एंड देन उसके बाद हमें समझ में आएगा कि यस some of the materials are renewable और some of the materials are non-renewable, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, मैंने आपको एक example दे दिया, wood का example दे दिया. अब सोचो ज़रा कि wood जो है renewable है या non-renewable है, सोचो. हाँ आप लोग सोचो और सोचने के बाद comment करना ज़रूर, मैं comment read करना चाहूँगी कि आप क्या क्या सोचते हो और कैसे दिमाग चलता है, ठीक है. अच्छा एक वर्ड और मैं आपको दे रही हूँ रिन्यू के साथ साथ, आप एक वर्ड दोबारा से यहाँ पे ऐड कर सकते हो. रिन्यू को आप रीजेनरेट के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है. मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ रीजेनरेट, ये वर्ड शायद से आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए. रीजेनरेट करना मीन्स दोबारा से प्रोड्यूस करना, रिसिंथेसाइज करना, दोबारा से उसको नई चीज़ बनाना, तो उसको बोलेंगे रिन्यूएबल. ये स्टूडेंट्स ये सेम टॉपिक ना आपका SST के अंदर भी कवर होता है, चैप्टर नंबर 1 है जियोग्राफी का, तो वहाँ भी आपका शायद से ये टॉपिक कवर हो जाएगा. चलो अब आते हैं हम, देखो ये तो पोर्शन हो गया रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे. इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज सनलाइट एंड एयर इज देयर, एग्जॉस्टिबल है मेरे पास. एग्जॉस्टिबल होने के बावजूद फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर दी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होती है एंड दे कैन बी गेट फिनिश्ड, ठीक है. तो अब आ जाते हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक पे, बिल्कुल न्यू चीज़ पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोल, कोल को देखते हैं एग्जैक्टली है क्या. मैंने आपको बोला कोल जो है वो एक प्रोसेस होता है फॉसिल, मतलब प्रोसेस नहीं है, एक नाम मैंने आपको दे दिया फॉसिल, ठीक है. अब दिमाग यहाँ दौड़ना शुरू कर देता है ना, फॉसिल एग्जैक्टली है क्या. तो फॉसिल को समझने के लिए भी मुझे एक स्टोरी समझानी है, या फिर बोलो कि भाई मुझे अभी कहानी सुनानी है, मेरा बहुत मन है कहानी सुनाने का. तो पहले मैं वो सुनाऊंगी एंड देन आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द फॉसिल एंड व्हाट इज़ द फ्यूल. चलो कहानी सुनने से पहले फ्यूल समझ लेते हैं, फ्यूल क्या है. फ्यूल है मेरे पास कोई भी ऐसा सोर्स जो मुझे क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी. देखो लिखने में तो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आती है ना मेरी इस स्क्रीन के ऊपर, माशाल्लाह मैं खुद हैरान हो जाती हूँ अपनी हैंडराइटिंग को देख के. चलो नेवर माइंड, आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी इस टाइम पे, लॉकडाउन है, इंस्ट्रूमेंट्स लेने जाने के लिए इजाज़त नहीं है घर से बाहर. देखते हैं यहाँ पे एनर्जी इज देयर, आपके पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, ठीक है. आप फ्यूल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, भाई बहुत सिंपल है, इस फ्यूल को जब तक आप बर्न नहीं करोगे तब तक वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, और जैसे ही आपने इसको बर्न कर दिया इसने एनर्जी आपको दे दिया, ठीक है. तो यहाँ पे है फॉसिल फ्यूल्स. अब आते हैं एक स्टोरी के ऊपर, आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. चलो स्टोरी आ जाती है, और स्टोरी है डायनासोर्स के टाइम की. पहले सबको पता है ना बहुत टाइम पीरियड जो है क्या होता था, डायनासोर्स होते थे. तो यहाँ पे लगा लो मैंने एक लैंड बना दिया, ठीक है. बहुत 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 ओल्ड एजेस है, मैंने यहाँ पे ओल्ड एज लिख दिया, इतना डीप में नहीं जाएंगे बट बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ओल्ड एज पे थे. देन वहाँ पे ग्रीन कलर से मैं डायनासोर्स बना रही हूँ, यहाँ पे डायनासोर्स थे, ठीक है. डायनासोरस थे एंड डायनासोर्स आए, फिर एकदम से कुछ भूचाल आ गया या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो गई कि जो है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो गई या लैंडस्लाइड्स हो गया, समथिंग ड्रास्टिक कंडीशन हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो डायनासोर्स के आसपास रह रहे थे, जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह रहते थे, जितने भी बर्ड्स रहते थे उस टाइम पे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. वो जो एकदम से एक्सप्लोजन हो गया उसकी वजह से वो डेड हुए एंड लगातार क्या हुआ ना, डेड होने के बाद उनके पास क्या हुआ, धीरे 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 एक लेयर चढ़ती चली गई. अब ये जो लेयर है मेरे पास किस चीज़ की है, सॉइल की लेयर है. बहुत तेज़ आंधी आई, तूफान आया, सब जो है वो जो है मिट्टी के नीचे दब गए. देन
अब कंटिन्यूसली ऐसे बहुत टाइम पीरियड्स के लिए हुआ और लगातार जो है सॉइल की डेपोजिशन होती चली गई, ठीक है। बहुत सारे साल गुजर गए, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे साल गुजर गए और यहाँ पे जो एक लेयर यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन किसका हो गया? सॉइल्स का। जब सॉइल की डिपोजिशन हुई, देन अब देखो सॉइल की डिपोजिशन हो रही है ना, ये तो बहुत सारे सॉइल की डिपोजिशन हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर डीपर इनटू द सॉइल, बहुत अंदर चला गया, ठीक है। अब अर्थ के कुछ कुछ, फिर उसके बाद आता जब इस वाले लेयर पे आ जाते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, देखो इस वाले लेयर पे आ जाते हैं, देन यहाँ पे जो है एक कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले लो, मान लेते हैं हॉर्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि बहुत पुराने टाइम पे जो हॉर्स रहते थे एंड मैंने आर्स लिख दिया, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, मैंने हॉर्स लिखना था, हॉर्स रहते थे, घोड़े रहते थे, ठीक है। एंड घोड़े आए, फिर घोड़े भी कहीं ना कहीं किसी भूचाल वक्त कोई क्लाइमेटिक कंडीशन रही होगी, उसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड देन ये भी किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिलाइज, मतलब यहाँ भी एक जो है सॉइल की लेयर आ जाती है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ गई? एक सॉइल की लेयर आ गई है। तो ये जो सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती चली जा रही है, अब ज़रा सोच के बताओ, सोचने वाली बात है, बहुत 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 सोचने वाली बात है बेटा। यहाँ देखिए, पहले मेरे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो डेड हुए थे, ठीक है, ये डायनासोर्स मरे, उसके बाद हॉर्स मरे। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, डायनासोर्स है, ऑब्वियसली बात है डायनासोर्स होंगे तो पेड़ पौधे भी तो होंगे ना, वो खाना तो वहीं से खाएंगे। तो उसके आसपास के जितने भी मेरे प्लांट्स थे, ग्रीन वेजिटेबल्स थे, सब कुछ, वो सब कुछ डेड हो गया, सब कुछ जो है वो कहाँ, वो जो है बरी हो जाता है, वो मेरे सॉइल के अंदर डिपोजिशन ऑफ लेयर्स के अंदर जो है दब जाता है। और जब मेरी कोई भी चीज़ दब जाती है, अब इस पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे जो क्या था मेरे पास, एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म था, और इसके ऊपर क्या हुआ, रेत, इसके ऊपर जो सॉइल है ना वो डिपॉजिट होती चली गई, सॉइल डिपॉजिट होती चली गई। जब सॉइल डिपॉजिट हुई और जब मैंने एकदम से मान लो डिगिंग करा या कुछ भी किया, तो क्या होगा ना, ये जो मेरा ऑर्गेनिज्म था, ये जो मेरा रेड कलर का आपका ऑर्गेनिज्म दे रहा है, ये तो पूरी तरह से डिके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिके। डिके करने का मतलब पता है ना, पूरी तरह से ख़त्म हो गया वो, जितने भी मिनरल्स की उसकी बॉडी बनी थी, जितना भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, ये जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, डेड हो गया, डिकम्पोजिशन होगा इनकी। तो इसकी वजह से क्या है ना, मेरे पास यहाँ पे फॉसिल का मतलब होता है इम्प्रिंट्स, क्या रह जाएगी? एक छाप रह जाएगी, ठीक है, क्या रह जाएगा? इम्प्रिंट्स रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इन फॉसिल्स का इम्प्रिंट रह गया, जो भी ऑर्गेनिज्म था वो दब गया और जैसे ही हमने मिट्टी देखी तो मेरे को उस मिट्टी के ऊपर वो इम्प्रिंट मिल गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम फॉसिल, क्या बोलते हैं हम इम्प्रिंट्स को, क्या बोलते हैं? फॉसिल। अब वो फॉसिल को कहाँ से आया, अभी स्टोरी सुनी आप लोगों ने, ये जो ऑर्गेनिज्म था वो कहाँ से आया? एग्जैक्टली एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ही होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉन लिविंग तो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएगा नहीं। तो ये जो मेरा फॉसिल है वो किससे बना है? डेड और डिकेड पार्ट से। किससे बनेगा? डेड और डिकेड पार्ट से। और डेड और डिकेड पार्ट किसका हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो भी जो ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे वहाँ पे रह रहे थे। तो आई होप सो फॉसिल आपको समझ में आ गया होगा कि फॉसिल है क्या। फॉसिल जो है मेरे पास, फॉसिल जो है दीज आर द इम्प्रिंट्स, या फिर बोल लो फॉसिल आर द रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स। अब रिमेन्स किसी का भी हो सकता है, वो प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स को पूरा नहीं लिख रही हूँ, छोटा रख रही हूँ। जो है पहले के टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे जो है, मतलब मान लो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, वो जब मर गए, मर जाने के बाद उनकी जो है बॉडी दफन हो गई, वो जो है उनकी बॉडी जो है कवर हो जाती है सॉइल से, ठीक है। तो उनकी बॉडीज़ के जो बच्चे कुचे पार्ट्स होते हैं, जो रिमेनिंग्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। अब अगर उन्हीं फॉसिल्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको? यूटिलाइज़ करेंगे, तो उनको यूटिलाइज़ करने के बाद हम क्या बना लेते हैं? उनसे फ्यूल, ठीक है, उन्हीं से जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है फ्यूल। अब फ्यूल कैसे बनता है, फॉसिल कैसे बने, कैसे जो है वो हो, ये सब चीज़ों से समझ में आ गए। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है वो चीज़ देखेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, एक फॉसिलाइज्ड प्लांट था, ठीक है, फॉसिलाइज्ड प्लांट था। अब प्लांट ले लिया, क्योंकि प्लांट के लिए आपको इमेजिन करना आसान है, फॉसिलाइज्ड प्लांट था, वेजिटेबल था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, कार्बन था उसके अंदर, फिर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन भी था, देन उसके पास नाइट्रोजन भी था, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्शली प्रेजेंट थी, कहीं ना कहीं सल्फर भी उसके अंदर प्रेजेंट था, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना वो उस प्लांट की बॉडी के अंदर थे।
अब बहुत टाइम, मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, ये जो है कहीं ना कहीं डेंस फॉरेस्ट जितने भी थे सारे के सारे टूट गए, बिखर गए, कुछ हुआ होगा, सडन फ्लड आया होगा या फिर सुनामी आ गई, वट एवर, अर्थक्वेक हो सकते हैं, वोल्केनोज हो सकते हैं, उन सब की वजह से क्या हुआ कि ये प्लांट्स मेरे दफन हो गए, और दफन होने के बाद ये जो है मेरी लेयर्स लेयर्स ऑफ लेयर्स सॉइल की लेयर्स डिपॉजिट होती चले जा रही, और जब सॉइल्स की लेयर्स डिपॉजिट होगी तो उसके बाद इन बिटवीन मतलब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नीचे जो बिल्कुल बीनीथ जो होती हैं है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रही हूँ, सबसे पहले मेरा वहाँ पे होगा हाई प्रेशर, नोट कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड द अर्थ सरफेस को अगर हम देखें, इनसाइड के बारे में बात कर रही हूँ, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं थी, क्या नहीं थी, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर को बोल लो ऑक्सीजन वॉज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। दो पॉइंट्स लिखे थे, दो पॉइंट्स और लिखूंगी अभी, अभी हमने बात करी कि हाई प्रेशर था, एब्सेंस ऑफ एयर थी, साथ साथ में टेम्परेचर जो था वो भी ज़्यादा था, बहुत हाई टेम्परेचर था, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के अंदर धीरे 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 क्या होगा, जितना भी मेरा पार्टिकल था, जितना भी मेरे पास जितना भी पार्टिकल था, वेजिटेबल मैटर जितना भी था, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, कोल में, ठीक है। तो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि एक वेजिटेबल जो है वो मेरा कोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, याद रख लेना, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। और कार्बोनाइजेशन के बाद ये जो फोल बना है, ये जो भी इस टाइम पे कोल बना है ना, इसी कोल को हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल फ्यूल बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, वो कोल वो फ्यूल जो आपको जो है फॉसिल्स की वजह से मिला है, डेड पार्ट्स की वजह से मिला है, डिकम्पोजिशन होने की वजह से मिला है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मिला है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी, अभी आपको जो है पूरी तरह से कोल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन आते हैं, देखो यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज देख लेते हैं, यहाँ पे कोल था, पेट्रोलियम है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम, नेचुरल रिसोर्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। रिमेनिंग्स जितने भी होते हैं, जितने भी आपके डेड रिमेनिंग्स होंगे, देखो यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है, डेड रिमेनिंग्स होंगे उसी को हम फॉसिल बोलेंगे, और उसी से क्या निकलता है, फॉसिल फ्यूल्स। सो सबसे पहले कोल पे आ जाते हैं, अब करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, देखो पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब आपको करेक्टरिस्टिक्स बात करने हैं। कुछ ऐसा सा काला काला सॉलिड सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉलिड सब्सटेंस, इसको कोल बोलते हैं, ठीक है। हार्ड स्टोन है, ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है, एंड फूड को कुक करने के काम आता है, इंजन्स को रन करने के भी काम आता है, थर्मल पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी को काम करने में आता है, एंड इंडस्ट्रीज में। अच्छा, मैंने क्या किया था, जब मैं छोटी थी तो मेरी गली के बाहर ही पार्क था एक, एंड अभी तो मैंने घर शिफ्ट कर लिया, पहले जहाँ हम रहते थे तो उस गली के पार्क के पास ना एक प्रेस करने वाला बैठते थे भैया, तो जब भी हमारे घर में पार्टी वगैरह होती थी ना, तो मैं मम्मा बोलती थी कि जाओ ये कपड़े ले जाओ, कोट पैंट वगैरह पापा का होता था जो घर पे प्रेस नहीं हो पाता, या फिर जो बड़ी बड़ी महंगी वाली साड़ियाँ होती थी, या सिंपल बोल लो कि जो मम्मी प्रेस नहीं कर पाती थी घर पे, तो वो साड़ी मैं भैया के पास लेके जाती थी, एंड उनके पास ना एक लोहे की आयरन थी, और उनका एक ढक्कन ढक्कन टाइप खुलता था, वो ढक्कन के अंदर जब वो खोलते थे तो उसके नीचे वो कोल डालते थे, वो कोयला डालते थे काले रंग का, ये कोल डालते थे, और इसके अंदर थोड़ी सी हीट गर्मी पैदा कर देते थे, और इसकी हीट की वजह से वो जो है आयरन करते थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये हीट कहाँ कहाँ काम आएगा, ये हीट प्रोडक्शन के अंदर काम आ रहा है, कहाँ काम आ रहा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, कहीं भी कुछ भी आपको यूजेस मिले तो आप ये डायरेक्टली लिख देना। स्टोरी ऑफ कोल मैं आपको बेटा बता चुकी हूँ पूरी की पूरी, वही सब चीज़ें लिखी हुए हैं, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो या वीडियो को रोक करके यू कैन सी दैट, सेम चीज़ लिखी हुई है। अब इस पे आते हैं कोल माइंस के बारे में, देख लो कोल माइंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये टॉप मोस्ट लेयर थी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाऊंगी, उसके बाद ये वाली एक लेयर आई, देन उसके बाद आपके पास ये वाली एक लेयर आ रही है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस लेयर इज देयर, आफ्टर दैट दिस लेयर इज देयर। तो अगर आप देखो तो सक्सेसिव लेयर्स आर देयर, है ना, ये जो अर्थ है मेरे पास इसको टॉप में टॉप क्रस्ट वाले सरफेस से तोड़ा होगा और उसको अंदर 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 जाते चले जा रहे हो, तो अंदर अंदर आपको डीप इन साइड पर दिख रहा होगा कि ब्लैक ब्लैक सब्सटेंसेज देयर है, जो ब्लैक सब्सटेंस है कोल माइंस है। माइंस का मतलब पता क्या होता है, एक ऐसा गड्ढा या एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोल मिलेगा, कोल ही कोल मिलेगा आपको, उस जगह को हम बोलते हैं कोल माइंस, ठीक है। अब आ जाते हैं कोल एग्जैक्टली है क्या, इसको भी रीड आउट कर ले, सिर्फ रीड आउट करना है, आप सब चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ आपको। देखो
कार्बन है मेरे पास, स्लोली कन्वर्ट हो रहा है डेड वेजिटेशन इनटू द कोल, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद कर लेना इसको, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स के रिमेनेंट्स होते हैं उसको जो वेजिटेशन पार्ट के रिमेनेंट्स होते हैं उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। हीट किया जाता है एयर के अंदर, बर्न कर लो या जो है अगर कुछ भी करोगे तो उसमें से एक गैस प्रोड्यूस होगी हमेशा, याद रखना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय दिस, इसके बाद हम आते हैं कोक के ऊपर, ठीक है। कोल जो है इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है और समटाइम्स उसके जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी, अब देखो कोक है मेरे पास एक, और ये भी कोल से ही कहीं ना कहीं निकल के आता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स निकलते हैं कोल के। अगर मैंने कोल को बर्न कर दिया है या मैंने उसको जो है हाई टेम्परेचर दिया है, फिर आगे फर्दर मैं उसके साथ कुछ चेंजेस करती हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला प्रोडक्ट निकल के आता है, दैट इज़ कोल, कोक, ठीक है। टफ होता है, बहुत टफ होता है, पोरस है, मतलब छेद होगा, ठीक है, पोरस है ना, स्मॉल स्मॉल पोर्स विल बी देयर, ब्लैक सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म होगा, याद रखना दिस इज द प्योर फॉर्म, कोई ऑल्टरेशन नहीं किया है, कोई आर्टिफिशियल चीजेस के अंदर ऐड नहीं करी है। कहाँ यूज होता है, कहाँ बनता है, दिस मैन्युफैक्चर्स इन द स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये बेसिकली कहाँ यूज होगा, स्टील बनाने के काम आएगा, और अगर आपको मेटल्स का प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे भी ये जो है काम आता है, ठीक है। देन आता था सेकेंड चीज़ पे, कोल तार पे आता था। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से मिलेंगी आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पहचान दे रही हूँ, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग। कोल तार, देखो तार के बारे में बात करी थी ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा, और जब भी आप इसके ऊपर एक फिंगर पुट ऑन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने फिंगर पुट ऑन करी और मैं इसको दूर तक लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक तार की फॉर्म में आएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं कोल तार। ब्लैक होती है, थिक होती है, लिक्विड होती है और बहुत गंदी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हो वो देख लो, सिंथेटिक डाइज हो सकती हैं, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, रूफिंग्स, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। आजकल तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, सैफ अली खान की एक ऐड भी आती है पेंट को लेकर के, घर में प्लास्टिक पेंट कराओ तो जो प्लास्टिक पेंट है उसके अंदर क्या मिला होता है, कोल तार हल्का सा मिला होता है। नेफ्थलीन बॉल्स है, ये भी जो मॉथ्स को या कपड़ों में आपकी मम्मा घर पे यूज़ भी करती होंगी, इंसेक्ट्स वगैरह को दूर भगाना, तो उन सबको दूर भगाने के लिए हम नेफ्थलीन बॉल्स बनाते हैं, वो भी कहाँ से ऑब्टेंड होगी, ये भी जो है कोल तार से ही अवेलेबल होती है। कोल गैस, देखो ये स्ट्रक्चर आपने बहुत जगह देखा होगा ना, चिमनी है, चिमनी में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो धुआं क्या है एग्जैक्टली, कोल गैस, ठीक है। कोल से कोक बनाने में जो गैस रिलीज होती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस, ठीक है। मेनली कहाँ कहाँ जो है यूज होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होगी, और जहाँ भी मेरे पास कोल का प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े कोल के प्लांट्स होते हैं, वहीं यूज़ होगा ये। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कोल गैस जो है ना, ये किस किस का मिक्सचर हो सकता है वो देख लो, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें मीथेन होता है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड होता है इसके अंदर, और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कुछ लो क्वांटिटी पार्टिकल्स होते हैं। तो दिस इज दस। देन उसके बाद हमारा बिल्कुल नया टॉपिक पे आते हैं, पेट्रोलियम। 5 मिनट्स का गैप लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस, ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी इसको। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक वीडियो है ना, एक ही पार्ट में फिनिश हो जाए, सो दैट आप उसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखते रहो। तो यहाँ पे पेट्रोलियम पे आ जाते हैं। पेट्रोलियम क्या है, जैसे बेटा जैसे ही कोल निकला था वैसे ही को पेट्रोलियम भी निकलता है, ये भी क्या है ना, पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट मोबाइल्स, बिल्कुल सेम स्टोरी है इसकी भी। अब पेट्रोलियम के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो इस स्लाइड में नहीं है, आपकी बुक्स में भी शायद हो शायद ना भी हो। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। इसका नेचर कैसा रहता है, थिक होता है ये, थिक के साथ साथ ये विस्कस होगा, थिक होगा, विस्कस होगा, विस्कस का मतलब पता है क्या होता है, चिकना, थोड़ा सा चिकना होगा। एंड उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, इट फाउंड्स इन डीप इनसाइड द रॉक्स, ये जो है रॉक्स में पाया जाता है, और इसी के लिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम को ही हम क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल बोलते हैं, बिकॉज ये पत्थरों के बीच में पाए जाने वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं रॉक ऑयल। पेट्रा मीन्स, अब देखो लैटिन वर्ड में देखोगे तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया। अब इसी को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, सुना होगा ना, काला सोना है ये, एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है ये, ठीक है।
एंड इसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स्ड होते हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें इसके अंदर मिक्स्ड होती है। कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं एक बार। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वही होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों के एग्जाम्पल उस कम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये भी क्या है, ये भी एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। अभी जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो, ख़त्म हो जाने वाले होते हैं, ठीक है। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनसॉल्युबल होता है, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, मिक्स नहीं होगा कभी भी। एंड सबको पता कभी भी पानी के अंदर जो है तेल मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो बाय दिस हम देखो ये छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक्स से अब देख लेते हैं स्लाइड में क्या क्या चीज़ें हैं। लाइट होगा, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, सब लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटी तो सबके घरों में होगी आज के टाइम पे, तो स्कूटियों के अंदर एग्जैक्टली पेट्रोल डलता ना, ये वही पेट्रोल है, ठीक है। एंड कभी कभी पापा बोलते हैं ना अगर आप स्कूटी लेके बाहर चले जाओ तो पापा बोलते हैं हमको कि सारा का सारा पेट्रोल पी के आ गया है ना, तो किसने पी लिया एग्जैक्टली वो पेट्रोल, क्या आप पी गए उसको निकाल करके? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अगर मैं स्कूटी चलाने जा रही हूँ तो मैंने कहीं उसको रोका और मैंने उसमें से सारा पेट्रोल निकाला और मैं पी गई ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली जब आप यूज़ कर रहे हो इंजन में तो यहाँ पे बर्निंग हो रही है पेट्रोलियम की, तो बर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो पेट्रोल है वो यूटिलाइज हो रहा है। अब देखो मैंने बताया था आपको फ्यूल वही कहलाएगा जो आपको एनर्जी दे रहा है। अब मेरे व्हीकल को ड्राइव करने की एनर्जी, मूव करने की एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेट्रोलियम प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूल। अब आ जाते हैं कहाँ से ऑब्टेंड होगा, ये भी नेचुरल रिसोर्स से ही निकल के आता है। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं ये कहाँ से निकलेगा। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब जो भी जीव जंतु जितने भी ऑर्गेनिजम्स मेरे सी के अंदर रह रहे हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं, वो वहाँ से बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी सेटल डाउन हो जाती है, बॉडी बिल्कुल नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। देन अगेन सैंड एंड क्ले की बहुत सारी लेयर्स डिपॉजिट हो जाती है, धीरे धीरे जो है उनकी लेयर्स डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टोरी है जैसे कोल बना था, कोल के अंदर वेजिटेशन पार्ट था, अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स नहीं आएंगे, मराइन फिशेस बोल सकते हो, मराइन प्लांटेशंस बोल सकते हो, वहाँ पे वो बोलेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे गए, एब्सेंस है, वही सेम कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एब्सेंस ऑफ एयर है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, इसमें क्या होगा जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे पास पेट्रोलियम के अंदर। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो कोल बना रहा था, बट यहाँ पे क्या बना रहा है वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ साथ एक और नई चीज़ बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। तो अब मेरे को लगता है ना अब आपको ये स्टोरी रट गई होगी बहुत अच्छे से। और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की डिपोजिशंस के बारे में दे रखा है। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आई नो, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या जो है, पिक्चर क्लियर नहीं है तो लीव इट, इसको छोड़ दो। अब आ जाते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम जो है, बेटा देखो पेट्रोल जो है ना उसके अंदर रीड आउट कर लेते हैं, पहले डार्क ऑयली लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट होता है, बिल्कुल भी अच्छी स्मेलिंग नहीं होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने एक पेट्रोलियम निकाला, मैंने नेचुरल पेट्रोलियम निकाल लिया और उस पेट्रोलियम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब इनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए मुझे पहले मेथड लगाना है रिफाइनिंग का, ठीक है। तो रिफाइन कैसे करते हैं या जो हम किस तरह से जो है पेट्रोल को बिल्कुल साफ़ करते हैं वो वही अभी हम देखेंगे। यहाँ पे इसको देख लेते, देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेट्रोल है, ठीक है, मेरे पास क्या है ना ये पेट्रोल है, और इस पेट्रोल ये जो मेरे पास प्योरा ब्लैक गोल्ड है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, काला सोना बोला था, ब्लैक गोल्ड है मेरे पास ये। और अब मेरे को पता है कि जो मेरा ब्लैक गोल्ड है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख लेते हैं। देखो इसके अंदर पैराफिन वैक्स भी है, पैराफिन वैक्स को अलग करना है, कैरोसिन को अलग करना है, ठीक है, इसके अंदर से डीजल होगा उसको भी अलग करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए है यहाँ पे। और देखो मेथड होगा कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं, वेट, ठीक है। मुझे क्या करना है ना, एक्सट्रैक्शन करना है, और अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करना, तो एक्सट्रैक्शन के लिए एक ही मेथड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग भी बोल सकते हो, डिगिंग भी बोल सकते हो, माइनिंग भी बोल सकते हो, तीन टर्म्स बता दिए हैं।
पेपर में जो है आपसे कोई भी पूछ सकता है ड्रिलिंग कैसे करते हो या फिर डिगिंग कैसे करते हो, माइनिंग कैसे करते हो, तीनों का एक ही मेथड है। आपने बड़े बड़े क्या कर लिए, होल्स बना लिए और उन होल्स के अंदर आप जो है डग करते चले जा रहे हो, डीप डाउन दी उसको डगिंग करते चले जा रहे हो और तब तक डग करोगे जब तक आपको जो है कोई चीज़ सब्सटेंस जो है मिल नहीं जाता। इसी को बोलते हैं हम ड्रिलिंग बोलते हैं, डिगिंग भी इसी को बोलेंगे। और तब तक डिगिंग करेंगे, तब तक डिगिंग करेंगे जब तक हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिल जाती। नाउ मान लो कि मैंने एक्सट्रैक्ट करा लिया, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको रिफाइन करना। मुझे पता है कि जो मेरे पास ऑयल है वो क्रूड ऑयल है, वो बिल्कुल प्योर ऑयल नहीं है, प्रॉपर पेट्रोलियम नहीं है जो हम कार्स में यूज़ करते हैं, वो मिक्सचर है। तो उस मिक्सचर को अलग अलग करना है, उसमें से जो है बिल्कुल फाइन चीज़ निकालनी है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड यहाँ पे होता है, इस मेथड को समझेंगे, ठीक है? और वो मेथड कौन सा होता है वो देख लो। उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहली बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में काम आता है? लिक्विड्स के अंदर ही काम आता है, लिक्विड्स की सेपरेशन में काम आता है। क्या पे काम आता है? सेपरेशन में। सेपरेशन किसका करना है? फ्रॉम इम्प्योर टू प्योर। मीन्स मुझे इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर चीज़ निकालनी है। जस्ट एग्जांपल, पेट्रोलियम में से मुझे केरोसिन निकालना है, तो पेट्रोलियम मेरे पास इम्प्योर आ जाएगा और प्योर सब्सटेंस क्या निकाला? केरोसिन। लाइट ऑयल है केरोसिन, पैराफिन है केरोसिन, पेट्रोल है केरोसिन, गैसोलीन है जो है वो आ जाएगा, ये मेरे पास प्योर सब्सटेंस आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मुझे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इम्प्योर सब्सटेंस चाहिए। और अभी इस टाइम पे इम्प्योर सब्सटेंस मुझे क्या मिला हुआ है? दैट इज़ द क्रूड ऑयल, ठीक है? अब उसको डील आउट करते हैं कि कैसे हम करेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम पढ़ेंगे आपके लेवल का। मान लो कि मेरे पास एक ये बहुत बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है? और कंटेनर को मैं नीचे से क्या कर रही हूँ? हीट कर रही हूँ। और हीट के लिए मैंने रेड कलर दिखा दिया, नीचे से मैंने क्या कर दिया? हीट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स बनाए हुए हैं, अलग अलग चैम्बर्स हैं और अलग अलग चैम्बर्स के अंदर जो है क्या है, अलग अलग आउटलेट्स हैं। यहाँ पे आउटलेट्स हैं, ये मैंने आउटलेट्स बना दिए। मीन्स हर चैम्बर में से कोई ना कोई चीज़ जो है बाहर निकल रही है। अब कैसे बाहर निकलेगी वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारा का सारा क्रूड ऑयल लगा था। क्रूड ऑयल जैसे जैसे जो है हीट होता है, हीट होते होते ये जो है ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब ये जो है राइज करेगा। अब टेम्परेचर जो है वो हर एक चीज़ का अलग अलग होगा। सबसे ऊपर मैं ले लेती हूँ गैसोलीन, क्योंकि जो गैसोलीन का जो टेम्परेचर होता है वो ले लो कि गैसोलीन जो है हल्का होता है, या सिंपल बोल लो कि वेपराइज हो जाता है, तो ये बहुत ऊपर आ जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद नीचे है मेरे पास लाइट ऑयल, एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ। फिर नीचे है मेरे पास केरोसिन, ठीक है? एंड देन नीचे है मेरे पास हैवी ऑयल। तो ये सिंपल सी चीज़ें ले ली। देखो सबका टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग है, ये चीज़ याद रखना कि इन सब का जो टेम्परेचर है वो सबका अलग अलग है। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है सबका अलग अलग है, और बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से मेरी सारी की सारी चीज़ें जो है अलग हो गया। मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी टेम्परेचर आ गया, ठीक है? और एक्स वाई जेड के ऊपर मेरे पास जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरे मान लो यहाँ पे वाई टेम्परेचर आ गया, वाई टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है फॉर माई केरोसिन, तो मैंने यहाँ से केरोसिन निकाल लिया, बहुत इजी से आउटलेट में से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे लाइट ऑयल आ गया तो लाइट ऑयल मैंने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे गैसोलीन आ गया तो गैसोलीन मैंने यहाँ से निकाल लिया। वन बाय वन मैंने क्या करा ना, क्रूड ऑयल के अंदर से बहुत सारे फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लिया, जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स थे वो सब के सब मैंने निकाल लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है? और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है कितने टेम्परेचर से वेरीफाई करेगा? 25 केल्विन के डिफरेंस के साथ ये चलना शुरू करेगा। 25 डिग्री केल्विन का अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स के अंदर, तो मेरी सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इजीली अलग अलग होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? अब ये बेसिक चीज़ इसके अंदर क्या होती है वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर बेसिक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है स्टीम। स्टीम से हीट किया जाता है, ठीक है? वेपर्स बनते हैं इसके अंदर, वेपराइज किया जाता है। वेपराइज करेंगे क्रूड ऑयल को। किसको वेपराइज कर रहे हो? क्रूड ऑयल को वेपराइज कर रहे हो। और जैसे जैसे स्टीम इसकी बनेगी वैसे वैसे जो है उस स्टीम को कलेक्ट करके उसको ठंडा करने के बाद हम उसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे देने के बाद वहाँ से अपना नया फ्रैक्शन ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे पार्ट्स थे। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे देख लेते थे। देखो एलपीजी है, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, विटामिन, दीज ऑल आर दी। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो।
देन लास्ट पॉइंट पे आते हैं नेचुरल गैस. दिस इज द लास्ट मोस्ट, ये मेरी लास्ट स्लाइड है आज के चैप्टर की. और नेचुरल गैस है, गैशियस फॉर्म में होगी. किस फॉर्म में होगी? गैशियस फॉर्म में होगी. ठीक है, गैस के नाम से ही समझ जाना, गैशियस फॉर्म में होती है ये. एंड देख लेते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट होती है. ये भी फॉसिल फ्यूल है, ट्रांसफर कर सकते हो पाइपलाइंस. आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, इवन मेरे घर में भी, जो अभी गैस मेरे घर में तो अभी नहीं आ रही है, खैर मेरे घर के साथ वाला जो घर है उन्होंने गैस पाइपलाइंस का सिस्टम अडॉप्ट करा हुआ. उनके घर में सिलेंडर्स नहीं आते, गैस के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस आती है. ठीक है, रोहिणी के बहुत सारे एरियाज़ में आ चुका है, रजौरी गार्डन में भी गैस पाइपलाइंस आते हैं. तो बहुत सारी पाइपलाइंस यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू जो है गैस ट्रांसफ़र करी जाती है, डिलीवर करी जाती है. कोई मैन्युफैक्चरेशन नहीं होती, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई कुछ नहीं होता. कहाँ कहाँ पाया जाएगा? देखो त्रिपुरा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, ये यहाँ हर जगह पर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन है इसकी, देख लेना स्लाइड को, ये मैं नहीं बताऊँगी, ये दिस यू हैव टू डू विद योर सेल्फ. ठीक है, सो दिस इज़ दस मेरा जो चैप्टर था यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम. बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि ये वाला इस चैप्टर का वीडियो बना दो, बिकॉज ये चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग विद मी. बहुत देर तक की जो है एक सिंगल चैप्टर कवर होने में टाइम लग जाता है. थैंक यू, अपना जो है स्टडी करते रहना. एंड होप सो कि आप अच्छे नंबर लेके आओ इन योर एग्जाम्स. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. हैव अ नाइस डे.